क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम है वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य होता क्या है। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य। अभय मीन्स होता है बिना किसी भय के, अरण्य मीन्स होता है जंगल। तो जहाँ बिना किसी भय के पशु पक्षी रहते हैं उसको अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, अभयारण्य को सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा, तो यहाँ पे पशु पक्षी या अन्य जानवर यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, तो सब देखते हैं कि जो हमारे वन्यजीव अभयारण्य होते हैं यह इनका जो एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है, तो वो केवल पशु पक्षियों की रक्षा करना, वन संपदा का संरक्षण करना तथा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उनकी मदद लेना होता है। ठीक है, तो वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत जो होता है यहाँ पे पर्यटन की अनुमति होती है, पशु चारण की भी अनुमति होती है, लकड़ी इकट्ठा करने की भी अनुमति होती है, परंतु कुछ परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे मनुष्यों को निवास करने की अनुमति नहीं होती है। तो अभी तक हमारे इंडिया में जो 2020 की गणना आई है उसके कारण हमारे इंडिया में जो वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है 553 है। ठीक है, तो अभयारण्य को देख लेते हैं कि अभयारण्य को जो संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो यह राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आदेश या निर्देश के द्वारा। ठीक है, अगर इसकी सीमाओं में अगर हमें कोई परिवर्तन करना होता है तो फिर हमें राज्य विधान मंडल द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है। तो आज के जो अभयारण्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, तो हम सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संदेश आपके लिए लेकर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभयारण्य है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये हमें अभी जो है हमारा पार्ट फर्स्ट है, ये अभी पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड हम आपको लेकर आएंगे जिसमें जो बचे हुए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और स्टेट्स पे उनका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं, कोरेंगा है, कोलेरू है, पुलिकट है, नागार्जुन सागर है, श्री सेलम, प्राणहिता। कौन कौन से हैं, एक कोरेंगा है, कोलेरू है, पुलिकट है, नागार्जुन सागर है, श्री सेलम है, प्राणहिता है। वहीं झारखंड में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभयारण्य है पारसनाथ है, पलामू है, तोपचची है, डालमा है, हजारीबाग। तो यहाँ पे पलामू सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डालमा वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी सभी एग्जाम में ये क्रमशः पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही असम का है जो एक देही पटकाई है, ये पूर्व का अमेजन के नाम से भी जाना जाता है, जो देही नदी में प्रवाहित होती है इसके बीचों बीच से। ठीक है, फिर इसके बाद वही कर्नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण है डांडेली है, घाट प्रभा है, घाट प्रभा चिंचोली है, तालकावेरी काबनी। कौन कौन से हैं, डांडेली है, घाट प्रभा है, चिंचोली है, तालकावेरी है, काबनी है। वही हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है चंद्रताल है, पोंगड़न झील है, रेणुका। कौन कौन से हैं, चंद्रताल, पोंगड़न झील, रेणुका है। वही उड़ीसा के अंतर्गत जो है भीतरकनिका है, चिल्का है, गहिरमाथा है, नंदनकाना है, सतकोशिया गॉर्ज है, पिंपली पाल है। कौन कौन से उड़ीसा के अंतर्गत, भीतरकनिका है, चिल्का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, गहिरमाथा हमेशा पूछा जाता है, नंदनकाना है, सतकोशिया गॉर्ज है, पिंपली पाल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है जिसका हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे एक लिस्ट में समराइज कर दिया है जो आसानी से हमें याद रहेगा। इसके अलावा हम पार्ट टू लेकर आएंगे जहाँ पे और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और हम ऐसे ही आगे भी नए नए टॉपिक पे आपके लिए सेगमेंट लेकर आए। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।